हे वेलकम टू पेट्स लुक। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका डॉग दिन ब दिन आलसी होते जा रहा है? द मैक्सिमम ऑफ यू हैज ऑलरेडी आंसर्ड दिस यस इन द हेड। और फिर ऐसा क्यों है? क्वारंटाइन, लॉकडाउन, यस जितने बहाने दे रहे हैं दे दो, लेकिन आप आपके डॉग को एक्सरसाइज कराने के लिए गार्डन और नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे घर पे बैठ के भी एक्सरसाइज करवा सकते हो। एंड ऑन दिस वीडियो ऑफ पेट्स लुक वी आर गोइंग टू टेल यू कि 7 एक्सरसाइज फॉर योर डॉग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या क्या है, एंड विल एक्सप्लेन डीपली कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो फिर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी दबा लो, क्योंकि हम वीडियोज हर वीक लाते हैं। तो फिर पहली एक्सरसाइज है अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स पर भगाना। अगर आपके घर में स्टेयर्स नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आपके बिल्डिंग में तो स्टेयर्स होंगी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको आपके डॉग के स्टेयर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होना है और उसे कमांड देना है कि कम हियर, या फिर उसे उसके नाम से पुकारना, और जब वो आए तब उसे आपको ट्रीट से ग्रीट करना है। और प्लीज ट्रीट दो, क्योंकि ट्रीट से उनका एक्साइटमेंट और बढ़ता है और अच्छे से एक्सरसाइज होगी। और वापस सेम चीज वाइस वर्सा, आपको ऊपर जाना है, आपको वापस उसको कमांड देना है, और ऊपर आएगा तब उसको वापस ट्रीट्स देना। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के। सेकेंड एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्स्टेकल कोर्स सेटअप कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप ऑब्स्टेकल कोर्स तकियों से बनाओ, चेयर से बनाओ, या फिर टॉयलेट पेपर से, बस ऐसा बनाओ कि आपके डॉग को हर्ट ना हो। और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत बना दो कि आपका डॉग वो कोर्स को समझ ही ना पाए। एंड ऐसे जगह मेरा एडवाइस होगा कि आप ऐसे जगह पे बनाओ जहाँ पे ज़्यादा जगह हो, लॉन्ग कॉरिडोर्स या फिर बैकयार्ड हो गया, या फिर स्पेसी रूम्स हो गए। सो या नंबर 3 इज हाइड एंड सीक, यानी लुका छुपी। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके डॉग्स के ट्रीट्स आप अलग अलग जगह पर छुपा सकते हो, एंड देन यू कैन कमांड योर डॉग टू फाइंड इट। इससे आपके डॉग की बॉडी की एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि नोज की भी ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ आप हर दिन नई नई जगह पर ट्रीट छुपाइए, इससे आपका डॉग और एक्साइटमेंट दिखाएगा और एंटरटेन्ड रहेगा। बाय द वे कमेंट में जरूर बताना कि आपके डॉग ने कितने ट्रीट्स ढूंढे और कितने नहीं। नंबर 4 इज कीप अवे, मतलब बीच का बंदर। फिकर मत कीजिए, इस बार बंदर आप नहीं आपका डॉग बनेगा, और लेट्स कॉल इट बीच का डॉग फ्रॉम नाउ। आई नो इट वॉज लेम, सो इट्स ओके। एंड तो इसमें आपको क्या करना होगा, यू विल नीड वन मोर पर्सन इंक्लूडिंग यू एंड योर डॉग, और ऐसा टॉय लेना है जिससे आप वो टॉय ठीक से पकड़ पाओ, एंड देन आपको आपके ऑपोजिट पर्सन को थ्रो करना है, एंड लेट्स सी आपका डॉग ले पाता है कि नहीं। नंबर 5 इज फेच। फेच एक्चुअली एक ट्रिक है जो आपको आपके डॉग को सिखानी पड़ेगी। डोंट वरी, हम जल्दी ट्रेनिंग वीडियोस लाने वाले हैं, सो वी स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। तो फिर फेच में होता क्या है, आप एक टॉय एक डायरेक्शन में फेंकते हो, एंड देन यू कमांड योर डॉग टू ब्रिंग इट बैक। इसमें आपको एक लॉन्ग स्पेस की जरूरत होगी, जैसे कि लॉन्ग कॉरिडोर्स या फिर बिग लिविंग रूम। तो फिर इससे उसको लगेगा भी नहीं और काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 6 विल बी टग ऑफ वॉर, इट इज मोर लाइक अ गेम देन एन एक्सरसाइज। तो फिर इसमें आपको क्या करना है, आपको एक टॉय से आपको डॉग को ज्यादा से ज्यादा एक्साइट करना है, एंड वंस यू कैन सी इज ईगर टू गेट द टॉय, देन आपको उसके माउथ में टॉय देना है, एंड दूसरे एंड से खींचना शुरू कर देना है। इट इज मोर जस्ट लाइक द टग ऑफ वॉर कंसेप्ट, और ज्यादा भी जोर से मत खींच लेना कि उसके दांत बाहर आ जाए। सो या, एंड इससे आपके डॉग में डिसिप्लिन भी आता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ड्रेन होता है, विच इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। द 7th एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज रोटेट द टॉयज। क्या ऐसा होता है, आप जब भी आपके डॉग को उसके टॉयज से एक्साइट करने की कोशिश करते हो लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, इट्स बिकॉज वही सेम टॉयज आपके डॉग के सामने 24 घंटे पड़े होते हैं, एंड वो वही टॉयज से खेल खेल के उसकी एक्साइटमेंट मर गई है। तो फिर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर दिन उसे नए टॉयज लेके दो, बट आप क्या कर सकते हो कि उसके जो कुछ फेवरेट टॉयज है उसको आप छुपा के रख सकते हो, और थोड़े वीक्स बाद जब आप उसको वो टॉय दिखाओगे तो उसका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पे। तो फिर दिस इज व्हाट यू कैन डू टू ब्रिंग बैक द एक्साइटमेंट, और उससे थोड़ी आप और ट्रिक्स भी कर सकते हो एक्साइटमेंट की वजह से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल था तो लाइक मार दो और शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो हर डॉग ओनर तक पहुंचना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन में भी वो क्या क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं अपने डॉग के साथ। और हम ऐसी वीडियोज हर वीक लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब वो बटन ठोक दो, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।